विपक्ष आंदोलन मध्य लोकसभा मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी सवरण बिल आमोदिंचारु सायंत्रं 5 गंटल तर्वात तिरिगि प्रारंभमैन सभलो विपक्ष आंदोलन कोनसागिंचायि मणिपूर् अंशंपै चर्च चेपट्टालनि प्लकार्डुलु प्रदर्शिंचायि మణిపూర్పై చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని అమిత్ షా మరోసారి ప్రకటించారు దీనిపై ప్రతిపక్ష నేతలకు లేఖ రాశామన్నారు మణిపూర్ అంశంపై చాలా సున్నితమైనదని అనుకూల వాతావరణం సృష్టించాలని కోరారు బిల్లు ఆమోదం తర్వాత సభ రేపటికి వాయిదా పడింది आज के बिल पर दो तीन सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं मैं मेरे मंत्रालय की ओर से इन सभी का धन्यवाद रखना करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी आज मैं इस महान सदन के सामने एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आया हूं जो न केवल बहुराज्यीय सहकारी समितियां परंतु इसको एज अ कंसेप्ट स्वीकार करते हुए प्राथमिक सहकारी समितियां और राज्य की सहकारी समितियों में भी एक प्रकार के संस्कार और कार्य संस्कृति का निर्मित करेंगे सहकारी क्षेत्र को तवज्जो देने के लिए भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया जाए मैं आज देश भर की 8 लाख सहकारी समितियां करोड़ों किसान और 60 करोड़ ग्रामीण गरीबों की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने सहकारी मंत्रालय की स्थापना की अमूल हमारा गुजरात का एक सहकारी उपक्रम जो दूध उत्पादकों का राज्य सरकार फेडरेशन है उसमें आज 36 लाख बहने हर रोज दूध देकर 58,000 करोड़ रुपए का व्यापार करती है और मैं इस बात पर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 58,000 करोड़ का व्यापार वाला जो ये उपक्रम है वो उपक्रम में किसी ने 100 रुपए से ज्यादा पूंजी नहीं लगाई है सिर्फ 100 रुपयों की पूंजी से 58,000 करोड़ रुपए का उपक्रम बना है 369 ST के तहत नगद लेन देन में भी 2 लाख तक की परमिशन दी है जो पहले 20,000 तक ही थी माननीय अध्यक्ष जी PSL लक्ष्यांकों के प्रति भी समय सीमा 3 साल तक बढ़ाने का काम किया है जिससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को बहुत बड़ा फायदा होगा RBI में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के समस्त